आज का जो हमारा वीडियो है वो है स्पिंडल पे। जो हमारे किचन के नल रहते हैं या जो बाथरूम के नल रहते हैं वो खराब हो जाते हैं या फिर उसमें से पानी लीक करता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा नल चेंज कर देते हैं। मगर नल चेंज करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसके अंदर रहता है एक स्पिंडल, इसको स्पिंडल बोलते हैं। अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो आपका नल पूरा ठीक हो जाएगा। देखिए ये है मेरा जैगुआर का नल जो कि बहुत कॉस्टली आते हैं, 1400 to 2000 रुपीज तक के नल आते हैं। अगर ये नल लीकेज करे या ये खराब हो जाए तो आपको इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये इसका इंटरनल पार्ट है इसको चेंज करना है। तो ये मेरा खराब हो चुका है और ये मैं मार्केट से वैसे का वैसे लेके आ चुका हूँ जो अराउंड 100 to 120 में मिलता है। अब कैसे इसको खोलते हैं, कैसे स्पिंडल लगाते हैं और ये कहाँ फिट होता है और इसके बाद में ये सब इनके इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ पे फिट होते हैं, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये बहुत ईजी है लगाना बिना किसी प्लम्बर की मदद के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लगाते हैं अपने स्पिंडल। तो फ्रेंड्स ये है मेरा नल जो कि लीकेज कर रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, शायद आपको मोबाइल से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मेरा मोबाइल इतनी अच्छी क्वालिटी का है नहीं, तो मैं इसको थोड़ा नल चला के दिखाता हूँ। ये नल है, ये चालू है, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ तब भी ये लीक कर रहा है, तो मुझे यही लीक रोकना है। अब ये जो लीकेज की प्रॉब्लम होती है, अब इसके लिए मुझे नल चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ स्पिंडल चेंज करूंगा तो हो जाएगा। स्पिंडल इसके अंदर लगता है, ये जो मैंने आपको बताया था ये जो स्पिंडल है ये इसके अंदर लगता है यहाँ पे। तो अब इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे खोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका जो जो कैप है ये कैप इसको निकालना है। ये कैसे निकलता है, यहाँ पे आप पेचकस रख के इसको मारेंगे ये निकल जाएगा, देखा आपने। अब आपको ये खोलना है, मगर ये अभी नहीं खुलेगा, ये कब खुलेगा, जब हम इस नल को बाहर निकाल लेंगे। तो मैंने एक्चुअली सिक्योरिटी गार्ड को बोला है पानी बंद करने के लिए, वो जैसे ही पानी बंद करता है उसके बाद हम इस नल को खोलेंगे। तो मैंने गार्ड को बोला था और उसने ये पानी रोक दिया है। अब सबसे पहले हमें नल को खोलना है। नल को खोलने के लिए मेरे पास एक टैप स्पैनर है, इस टैप स्पैनर की मदद से हम इस नल को खोलेंगे। अब आपको दिख रहा है प्रॉपर, तो अब मैं इसको इससे खोलता हूं। ये देखिए मैंने इसको किया, तो इसकी मदद से मैंने इसको खोला है। अब मैं इसको हाथ से घुमाऊंगा तो ये पूरा खुल जाएगा, नल खोलने में कुछ ज्यादा मेहनत लगती नहीं है। तो ये देखिए मैंने ये अपना नल खोल लिया है, सॉरी थोड़ा सा पानी था तो पानी मेरे ऊपर आ गया है, पूरी तरीके से रुका नहीं था, अब गीला हुआ, मैं देख सकते हैं मैं थोड़ा सा गीला हुआ हूँ, मगर कोई बात नहीं, हम इसको फटाफट चेंज करते हैं। ये हमारा नल, सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। अब हमें इसे निकालना है, ये आपको दिख रहा है जो बंद होता खुलता है, तो यहाँ पे ये वैसे ही निकल गया, नहीं तो मैं आपको बताने वाला था कि अगर ये ना निकले ऐसे फिट हो तो आपको यहाँ पे इसको मारना है। डरिएगा नहीं, ये चीज कुछ टूटती वूटती है नहीं, जम के मारिएगा तो निकल जाएगा, वैसे मेरा तो ऑटोमेटिक ही निकल चुका है ये, ठीक है। अब हमें ये खोलना है, ये दिख रहा है आपको नल, अब ये स्पिंडल है, अब हमें स्पिंडल खोलना है। तो अब हमें इसका ये खोलना है, तो ये स्पैनर ये मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है, ये इतनी आसानी से खुलते नहीं है, तो आप इसको यहाँ ये लगाइए और इसको हैमर की मदद से मारिए। ये देखिए हैमर की मदद से अब ये खुल रहा है। तो ये देख रहे हैं आप, ये मेरा पूरा स्पिंडल खराब हो चुका है। अभी कैसे मालूम पड़े खराब हो चुका है, ये वॉशर खराब हो चुके हैं, इसका ये पार्ट थोड़ा घिस जाता है, तो ये पूरा खराब हो चुका है, किसी काम का नहीं, इसको फेंक दीजिए। अब हम इसमें नया स्पिंडल लगाएंगे। प्लम्बर जब भी आप प्लम्बरिंग का काम करें तो ये टेफ्लॉन टेप ले लें, इस टेफ्लॉन टेप से पानी बहुत अच्छा रुकता है। कुछ लोग पॉलिथीन लगा लेते हैं, कुछ लोग जूट लगा लेते हैं, बट दिस वन इज द बेस्ट। अब मैं इसको बस कुछ नहीं करना है, अब टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद मुझे यहां पे इसको फिट करना है। अब ये जो है इसको मैं वैसे ही फिट कर दूंगा। ये देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर रहता है, अगर आप देख सक रहे हो तो ये भी स्क्वायर है, यहाँ से कटा रहता है और यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ये वहीं पे फिट होगा जहाँ पे इसकी पोजीशन है। ये देखिए बहुत आराम से फिट होगा, इसमें आप बिल्कुल मेहनत ना करें, नहीं तो चीज खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, थोड़ा सा पेशेंस रख। देखिए फिट हो गया ये, और मैं इसके ऊपर एक कैप लगा दूंगा। इसको लगाने के बाद बस हम अपने नल को यहाँ पे फिट कर देंगे। तो ये देखिए हमने स्पिंडल चेंज कर लिया है, ये पानी आ गया है और ये मैं इसको बंद कर दूंगा पूरा,
और ये मेरा पानी लीकेज रुक गया। आपने देखा कितना आसान है स्पिंडल लगाना। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है या कुछ सवाल है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।